हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल टेनिस में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है और आपके मोबाइल पे कोई भी खाते से संबंधित जो लेन देन होते हैं, जो चाहे वो कैश रिसीट हो, चाहे ट्रांसफ़र करते हैं या फिर आरटीजीएस एनईएफटी करते हैं, फिर भी आपके मोबाइल पे कोई भी मैसेज प्राप्त नहीं होता है। अगर आपको मैसेज नहीं आता है अपने खाते से संबंधित कोई भी लेन देन के लिए, तो आज ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है। कृपया वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि एक एक चीज़ की चर्चा की है जो भी रीज़न होते हैं एसएमएस ना प्राप्त होने के, तो कृपया वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपके मोबाइल पे मैसेज नहीं आता है, आप अपने खाते से संबंधित कोई भी लेनदेन का मैसेज अगर आपको प्राप्त नहीं होता है, तो उसका दोस्तों सबसे पहला जो कारण होता है वो ये होता है कि आप पहले ही कन्फर्म हो लें कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके खाते में रजिस्टर्ड है या नहीं है। बहुत सारे केस में ऐसा देखा जाता है कि अकाउंट में कोई और नंबर रजिस्टर रहता है और आप किसी दूसरे नंबर पर SMS आने की उम्मीद करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये कन्फर्म होना पड़ेगा कि आपका मोबाइल नंबर वही है जो आपके अकाउंट में रजिस्टर्ड है, ठीक है। दूसरा दोस्तों कारण होता है कि बहुत सारे लोगों ने क्या होता है कि DND के सर्विसेज को लगा रखा है, डू नॉट डिस्टर्ब। जी हाँ दोस्तों, आज सारी कंपनी जो है मोबाइल कंपनी ये DND की सर्विसेज जो है प्रोवाइड करती है, जिसमें क्या होता है दोस्तों डू नॉट डिस्टर्ब सेवा एक्टिवेट हो जाती है, जिससे कोई भी लेन देन चाहे वो बैंकिंग सर्विसेज हो या फिर और कोई जो सर्विसेज हैं उनकी मैसेज जो होती है आपको अपने मोबाइल पर प्राप्त नहीं हो पाती है। तो कृपया ये पहले निश्चिंत हो लें, अपनी कंपनी को फ़ोन करें, जो भी आपके सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी जो भी है, आपको पहले उनसे फ़ोन करके कस्टमर केयर से बात करके आप DND सर्विसेज को डीएक्टिवेट करा लें, या फिर DND भी एक्टिव रहते हुए भी आप बैंकिंग सर्विसेज के जो चैनल हैं, जो बैंकिंग से रिलेटेड जो भी मैसेज आते हैं उसको कम से कम एक्टिवेट करा लें, ताकि आपको बैंक से रिलेटेड जो भी मैसेज होंगे वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। दूसरा कारण दोस्तों ये, इसके बाद दोस्तों तीसरा कारण ये है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बैंक जा करके SMS की सर्विसेज को डीएक्टिवेट करा देते हैं, जिसके चलते उनका मोबाइल उनके खाते में रजिस्टर तो रहता है, बट क्या होता है कि उनको बैंकिंग से जुड़े जो भी SMS होते हैं, जो ट्रांजेक्शन के जो भी मैसेज होते हैं, उनको प्राप्त नहीं हो पाते हैं। तो आपको सिंपली एक एप्लीकेशन लिख करके बैंक में जा करके जो SMS की जो सर्विस है जो डीएक्टिवेट हो गई है उसको एक्टिवेट कराना पड़ेगा, ताकि आपके खाते से संबंधित जो भी लेन देन हो उसका SMS आपको इंस्टेंटली आपके मोबाइल पर प्राप्त हो सके, कोई भी फ्रॉड होने से भी आप बच सकते हैं तथा अपने खाते से संबंधित जो भी लेन देन ट्रांजेक्शन हो वो तुरंत आपके मोबाइल पर प्राप्त हो जाए। तो ऐसे दोस्तों कुछ बेसिक जानकारी, अगर आपके मोबाइल पर मैसेज नहीं आता है अपने खाते से संबंधित कोई भी लेन देन के, तो ये उपाय आप आजमा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए टेक्निकल चैनल।